गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 12 लेसन पढ़ेंगे एक दिन लाल किले में। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। इसमें हमने क्या देखा था कि लेटर के फॉर्म में पूरा चैप्टर दिया हुआ है और उसमें लाल किला घूमने गया था वहाँ का, वो धीरे धीरे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है लेटर में। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100 पर देख सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट उसमें क्या जाना था, दीवाने खास के बारे में, और दूसरी इमारत कौन थी, राजसी स्नानागर। ठीक है, ये दो के बारे में जाना था। यहाँ पे देखिए पिक्चर, ये लाल किले का पिक्चर है। ठीक है, और ये उसके अंदर जो अलग अलग इमारतें हैं उसका पिक्चर है, और यहाँ पे देखिए ये उसके अंदर का है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं तब पता चलेगा। ठीक है, इनके अतिरिक्त यहाँ नकारखाना, दीवाने आम, मोती मस्जिद और मुमताज महल भी शाहजहानी शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। यानी कि दीवाने खास और राजसी स्नानागर के अलावा वहाँ और भी बहुत सारी इमारतें हैं। उनका नाम क्या है, एक तो देखो नकारखाना, दीवाने आम, मोती मस्जिद और मुमताज महल। ठीक है, वहाँ पे अच्छी अच्छी बनाए गए, उत्कृष्ट यानी सबसे बेस्ट नमूने हैं वहाँ पे। मुमताज महल को अब संग्रहालय का रूप दे दिया गया है, यानी कि मुमताज महल जो था ना उसको अब संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बना दिया गया है। मुमताज महल यानी कि शाहजहाँ की जो बीवी थी उसका नाम मुमताज था, तो वो उसका महल था मुमताज महल, इसलिए उसका नाम दिया गया था। ठीक है, तो जो मुमताज महल था उसको अब म्यूजियम बना दिया गया है। आगे देखिए, गाइड ने बताया कि एक समय था जब 3000 लोग किले के परिसर में रहा करते थे। यानी कि वो कह रहा है कि एक समय था जो कि ये लाल किले के अंदर 3000 लोग यहाँ पे रहते थे, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सेना का कब्जा होने के कारण कई रिहायशी महलों को नष्ट कर दिया गया। यानी कि जब 1857 में संग्राम यानी कि युद्ध हुआ था स्वतंत्रता के लिए, तो वहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने हमला किया था और उन लोगों ने जीत लिया था, तो पूरे लाल किले पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था ब्रिटिश लोगों ने। तो ये हट गए थे मुगल लोग, तो ब्रिटिश वहाँ रहते थे, तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ बहुत सारी इमारतें थी ना, महल थे, तो उन लोगों को उसको तोड़ दिया था। ठीक है, नष्ट कर दिया था, खत्म कर दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात किला भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। यानी कि स्वतंत्रता यानी हम भारत देश को जब स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी मिली, उसके बाद ये जो लाल किला है वो किसको सौंपा गया, भारतीय सेना यानी भारत की जो सरकार है उसको दे दिया गया था। ठीक है, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि लाल किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर चुना गया है। यानी कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो लाल किला है इंडिया में उसको यूनेस्को द्वारा 2007 में विश्व धरोहर यानी विश्व की धरोहर के एक स्वरूप माना गया है कि ये विश्व की अच्छी इमारत है। यहीं से भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। यानी कि 15 अगस्त जिस दिन आज़ादी दिवस होता है उस दिन हमारे पीएम प्रधानमंत्री क्या करते हैं, वहाँ से जनता को संबोधित करते हैं। यानी कि वहाँ पे झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं ना। अनिकेत, मैं जानता हूँ कि यह पत्र पढ़ने के बाद तुम स्वयं को लाल किला देखने से रोक नहीं पाओगे। यानी कि उसका फ्रेंड जो है वो कह रहा है अनिकेत से कि मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेटर में लिख के दी है कि ये जानने के बाद तुम खुद लाल किला देखने जाओगे, तुम रोक नहीं पाओगे। स्वयं देखने के बाद ही तुम इसको गौरवशाली इतिहास और उत्कृष्ट वास्तुकला को समझ सकोगे। यानी वो कह रहा है कि तुम खुद देखोगे वहाँ जाके, तब तुम्हें बहुत ही गर्व होगा अपने भारत के इतिहास पे, और उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ सबसे बेस्ट वहाँ पे कला आकृतियाँ मूर्तियाँ बनाई गई है वो तुम समझ सकते हो। लेटर में तो तुमने समझा, पर जब तुम सामने देखोगे तो उससे भी ज़्यादा समझ सकोगे। तुम्हारा मित्र भानु, यानी कि ये लेटर किसने लिखा था, भानु ने अनिकेत को, अपने फ्रेंड अनिकेत को लिखा था। और लेटर में क्या बताया था कि वो लाल किला घूमने गया था, तो उसने लाल किला में क्या क्या देखा, वहाँ की मेन इन्फॉर्मेशन सब क्या है वो दिखाया था उसने। ठीक है, यहाँ पे जो पिक्चर दिए हैं वे ये लाल किले की अंदर की इमारतें हैं। ठीक है,
तो इस चैप्टर से देखिए, पहले तो हमने क्या सीखा, पहला तो ये सीखा जाना कि हमारे देश में जो लाल किला है वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर का उपमा दिया है, ठीक है, उपमा दी है, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है ना कि हमारे देश में उसको विश्व ने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और वहाँ पे इतिहास यानी वहाँ का जो हिस्ट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और बहुत ही जानने लायक है, और वहाँ के जो वास्तुकला है वो देख के बहुत ही अच्छा लगेगा, चारों ओर बनाए हुए और उसके अंदर बहुत सारी इमारतें हैं घूमने जैसी और देखने जैसी। तो हमें इस चैप्टर से लाल किला के बारे में जानने को मिला और मुगल वहाँ कैसे रहते थे, उन्होंने क्या क्या बनवाया था जो अभी तक हम लोग चला रहे हैं और देख रहे हैं और हमें अच्छा भी लगता है ना, उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इस देखिए, ये लाल किला तो सिर्फ एक नाम है कि लाल किला, पर उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी हिस्ट्री है। अगर हम लोग वहाँ पे कभी घूमने जाते हैं तो हम भी इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं और ये हमें जानना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी जो है दिल्ली में है, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।